सीएसबी क्लास नेक्स्ट टॉपिक है एलसी ऑसिलेशंस। इसके अंदर हमारे पास एक इंडक्टर होगा और एक कैपेसिटर होगा भी, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन को बोलेंगे एलसीवी। इसमें हम पाओगे है ना। चलो देखो भाई क्लास, नेक्स्ट टॉपिक है एलसी ऑसिलेशन। इसके अंदर देखिए एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक की लगा लेते हैं पहले, एक बार इसको की K1 ले लेते हैं और यहाँ पे जोड़ देते हैं एक बैटरी भी, बंद कर दें। कुछ दिख रहा है अभी कैमरे में दिख रहा है? देखिए एक इंडक्टर है एक कैपेसिटर है। देखो पहले कुछ नहीं है, सिंपल सा थ्योरेटिकल सेक्शन है थोड़ा सा। एल और सी भी यहां पे की जोड़ देते हैं, एक और इट इज K2 भी, ठीक है। डायग्राम अभी मत बनाओ, ठीक है। एक L है एक C है, दोनों को जोड़ा गया है विद ए बैटरी इस तरह के अरेंजमेंट्स के अंदर। इनिशियली मान लेता हूँ कि K1 इज ओपन भाई, K1 ओपन मतलब स्विच ऑफ है यहाँ पे K1 भाई, तो ये और K2 क्लोज कर दी मैंने भी। तो क्या मान सकते हैं हमारे सर्किट में बैटरी है और कैपेसिटर है सिर्फ, यह सर ना बैटरी है और क्या है कैपेसिटर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो बैटरी क्या करेगी, कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करेगी, यह सर ना बैटरी क्या करेगी, कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करेगी अभी। ये अगर बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल है तो ये प्लेट क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, यस सर नो। और ये क्या बन जाएगी, नेगेटिव। कैपेसिटर क्या हो चुका है, फुल्ली चार्ज हो चुका है अभी, कर लोगे? जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाए तो ये करंट नहीं लेगा बाकी उसमें से, हो जाएगा यानी कुछ टाइम के बाद फिर इज फुल्ली चार्ज भी। अब क्या करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे अभी, यानी बैटरी मेरे पास अभी नहीं है, यस सर नो। तो इनिशियली एक कैपेसिटी ले रखा मैंने जो पहले से चार्ज है अभी, यानी इसमें पहले बैटरी जोड़ रखी थी पहले, हम लोगों ने बाद में हटा दी गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये बैटरी लगाओ ना लगाओ कोई फायदा नहीं है इसका भी, हमने क्या कर दिया पहले एक कैपेसिटर को चार्ज कर लिया अभी। समझ में आया, कैपेसिटर क्या है मेरा फुल्ली चार्ज है अभी। अब मैंने क्या किया, इस की को ऑन कर दिया अभी, की इज क्लोज हुई। अब कैपेसिटर क्या करेगा, डिस्चार्ज होगा अभी, काम दो ही है इसके, चार्ज होना और डिस्चार्ज होना अभी। और कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा थ्रू द इंडक्टर भी, पहले इंडक्टर में जीरो करंट था, अब करंट फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, करंट वेरी करेगा मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू की तरफ। जब करंट वेरी करेगा तो इस इंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा वे, यस और नो? वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, अपनी प्रोडक्शन को अपोज करेगा, yes, किसकी कौन है इसकी प्रोडक्शन भी, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी, यस और नो? कौन है, डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, यानी इस डिस्चार्जिंग को रोकेगा ये। तो कैपेसिटर टेक सम टाइम टू डिस्चार्ज, मीनिंग कैपेसिटर क्या करता है, एकदम से क्या हो जाता है, डिस्चार्ज होता है, पंखा से चलता है हमारा, एकदम अपने सारी एनर्जी किसको दे देगा, डिवाइस को दे देता है ये, कर लोगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि अपोज किया जा रहा है, इट टेक सम टाइम फॉर डिस्चार्जिंग भी, जितना टाइम लेगा उतना ये करंट चेंज होगा, उतना ज़्यादा इंड्यूस टाइम बनेगा, उतना ज़्यादा अपोज किया जाएगा, यस और नो? यानी ये क्या हो चुका है, एक टाइम तो ऐसा होगा कि कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका होगा भाई, यस और नो? लेकिन उस दौरान तक क्या होगा भाई, क्या हो चुका होगा, इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बन चुका होगा भाई, कर लोगे? क्या बन चुका होगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ। और उसकी खासियत क्या है, वो जो हमारा करंट ना उसके उल्टा होता है हमेशा, कर लोगे? यानी वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका है वापिस क्या करेगा, उस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देगा भाई, यस सर नो? इसका तो खत्म हो गया करंट, अब इसके पास तो करंट बच गया अभी, अभी कर लोगे? अब ये करंट कौन सा है, इंड्यूस्ड करंट, अभी मैक्सिमम बन चुका है, इसके ऊपर तो होना नहीं कुछ उसमें, कर लोगे? अब वो करंट क्या करेगा, इस कैपेसिटर को वापिस चार्ज करना शुरू करेगा बट विद अपोजिट पोलैरिटी, समझ में आ रहा है? अगर वो ऐसे चल रहा था उल्टा चलेगा तो उससे, कर लोगे? यानी ये प्लेट क्या बन रही है, पॉजिटिव बन रही है,
और ये क्या बनना शुरू हो गई, नेगेटिव। अब जब ये इसको चार्ज कर रहा है इसका, इसका करंट कम होना शुरू हो जाएगा। जब करंट कम हुआ तो वापस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, यस सर नो, वापस इसमें क्या बना, अगेन इंड्यूस्ड ईएमएफ बनी। वेव क्या करेगी, वापस इसकी प्रोडक्शन को अपोज करेगी, किसको अपोज करेगी, कैपेसिटर को चार्ज होने से रोकेगी, यस सर नो। कैपेसिटर क्या करता है, एकदम से चार्ज हो जाता है। अब कैपेसिटर क्या करेगा, टाइम लेगा चार्ज होने में भी, यस सर नो। जितना टाइम लेगा उतना ही क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, उतना ही अपोज किया जाएगा, यस सर नो। टाइम आ चुका होगा, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका होगा अभी, यस सर नो। इसका करंट कितना हो चुका होगा, जीरो हो चुका होगा, हो जाएगा। फिर क्या होगा, कैपेसिटर फिर डिस्चार्ज होगा, यस और नो, समझ में आ रहा है। फिर अब किससे होगा, विद सम पोलैरिटीज, फिर इंड्यूस करंट बनेगा विद पॉजिटिव पोलैरिटीज भी, ये काम चलता रहेगा अभी, यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जो ऑसिलेशंस मिलेंगे, दो तरह के ऑसिलेशंस हमने पढ़े हुए हैं, एक डम्ड ऑसिलेशन, एक अनडम्ड ऑसिलेशंस था अभी। अनडम्ड ऑसिलेशंस के अंदर क्या था कि मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, प्लस वन भी याद हो तो, इट इज अनडम्ड ऑसिलेशंस भी। और डम्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, मैग्नीट्यूड लगातार कम लग जाता है, एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, जीरो। अगर कंडीशन अच्छी है, अगर कंडीशन में लॉसेज नहीं हो रही तो ये मिलेगा मेरे को, इट इज अनडम्ड ऑसिलेशंस। पिंक झूल रहे हो धक्का मार के छोड़ दो, हर बार मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा, एक टाइम के बाद जीरो, वो क्या है, डम्ड ऑसिलेशंस में। उसको लगातार एनर्जी मिलती रही, उसी से चलेगा, मोमेंट से चलेगा, कर लोगे, yes, समझ में आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेशंस भी, क्या बोलते हैं, हो गया। लिखिए, वी टेक, लिखो, वी टेक फुली चार्ज्ड कैपेसिटर, वी टेक फुली चार्ज्ड कैपेसिटर कनेक्टेड विद ए इंडक्टर, कनेक्टेड विद ए इंडक्टर Having key K1, having key K1, key है K1 भी, okay? लिखिए, when key is open, open क्या होती है? Switch off को बोलते हैं भी, when key is open, current through inductor is zero भी, when key is open, current through inductor is zero, current through inductor is zero, inductor में कितना current होगा, zero current होगा भी, कर लोगे, समझ में आ रहा है। आगे लिखिए, when key is closed then capacitor discharge through inductor and due to change in magnetic flux induced EMF is produced which oppose the discharging of capacitor। ये बात सही है, which oppose the discharging of a कैपेसिटर, समझ में आया भाई, यस और नो। यानी इसका डायरेक्शन उल्टा है पहले वाले करंट से भी, जो करंट बनेगा वहां पे, लिख लीजिए, आफ्टर डिस्चार्जिंग द कैपेसिटर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मैक्सिमम, आफ्टर डिस्चार्जिंग द कैपेसिटर induced EMF is maximum in the inductor, induced EMF is maximum in the inductor
ओके, विच स्टार्ट टू चार्ज द कैपेसिटर, विच स्टार्ट टू चार्ज द कैपेसिटर, स्टार्ट द चार्ज द कैपेसिटर बट विद अपोजिट पोलैरिटी भी, बट विद अपोजिट पोलैरिटीज। ये बात समझ में आती है? जो प्लेट पॉजिटिव थी वो क्या बन रही है? नेगेटिव बन रही है अभी तो कैपेसिटर की, कर लोगे बट विद अपोजिट पोलैरिटीज। फिर क्या हो जाएगा आफ्टर फुल्ली चार्ज द कैपेसिटर, आफ्टर फुल्ली चार्ज द कैपेसिटर, फर्स्ट स्टेप इज रिपीट अगेन, फर्स्ट स्टेप इज रिपीट अगेन। वापिस वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा वापिस से, कर लोगे हो जाएगा भाई। लिख लीजिए एंड वी ऑब्टेंड, एंड वी ऑब्टेंड डम्ड, वी ऑब्टेंड अनडम्ड ऑसिलेशन भी, अनडम्ड UNDMPED अनडम्ड ऑसिलेशन भी। ये डायग्राम बनाइएगा इसका। अनडम्ड मतलब ये नहीं है कि इसकी मैग्नीट्यूड घट रहे होते हैं, सेम होते हैं मैग्नीट्यूड। अनडम्ड ऑसिलेशन ये डायग्राम में, ये कंडीशन कब का, जब लॉसेज नहीं मानते हैं, लॉसेज हो रहे हैं ओके, बट ऐसा नहीं है, लॉसेज होते हैं भाई। ठीक है, ओके आया था डायग्राम। लिखिए बट ड्यू टू एनर्जी लॉस, बट ड्यू टू एनर्जी लॉस, ड्यू टू एनर्जी लॉस वी ऑब्टेंड डम्प्ड ऑसिलेशन भी, वी ऑब्टेंड डम्प्ड ऑसिलेशन। अगर मैं इमेजिन कर लूँ कि एनर्जी लॉस नहीं है तो देखो हमको एनर्जी की प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी, क्यों? एक डिवाइस ही लगातार क्या देगा मेरे को, एनर्जी देगा पूरी उम्र तक भी, कर लोगे भाई। लेकिन ऐसा नहीं होता, लॉसेज होते हैं। हाँ कुछ लेवल पे इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आप यूट्यूब पे सर्च मारिए ना हाउ वी जनरेट फ्री एनर्जीज भी, तो बहुत से एग्जांपल, बहुत से प्रोजेक्ट मिल जाएंगे आपको उसमें जनरेट करने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम लगातार क्या घुमा सकते हैं, जनरेटर घुमा सकते हैं बिना कोई एक्सटर्नल वर्क किए हुए, कई तरह के मिल जाएंगे इससे प्रोजेक्ट्स भी। उस तरह के काम चल रहा है उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जिसमें हम क्या करें, इंटरनली कुछ ना डालें और एक्सटर्नली बहुत कुछ मिल जाए मेरे को, उसको बोलते हैं फ्री एनर्जी भी। अगर ये लॉसेस कम मिनिमाइज कर सकें किसी तरीके से तो वी ऑब्टेंड फ्री एनर्जी भी। एक बार कैपेसिटर को चार्ज करो छोड़ दो, अपने आप ही कम दिख रहेगा वो। यस सर नो? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि लॉसेस हो रहे हैं। ये डायग्राम बनाइए क्लास, ये है डम्प्ड ऑसिलेशन का डायग्राम, ये मिलता है एक्चुअली मेरे को भी। लगातार मैग्नीट्यूड कम होता है, एक टाइम के बाद कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेशन इज, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेशन इज म्यू इज इक्वल टू 1/2 pi अंडर रूट एलसी, म्यू इज इक्वल टू 1/2 pi अंडर रूट एलसी। इस फार्मूले को प्रूव करेंगे बुक में। नेक्स्ट टॉपिक है क्लास इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस पे, नहीं सुना है? तीन तरह के ऑसिलेशंस होते हैं क्लास, फ्री ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन और रेजोनेंस भी था भी। अगर आपने एग्जांपल सुने हो कि आर्मी वालों को ब्रिज के ऊपर चलने से मना किया जाता है कि डिसिप्लिन में मत चलिएगा, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गई पैर के साथ तो ब्रिज टूट जाएगा भी। चिमटे को मारा तो चिमटा अपने आप हिलने लग जाता था, ऐसा ना नज़दीक रखें। ठीक है भाई क्लास, उसको बोला कहता रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अगर वो अपनी ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या करने लग जाए, ऑसिलेट करने लग जाए। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एक बॉक्स होता है उसके नीचे भी खाली, ऊपर वाले वायर की वजह से नीचे वाली हवा क्या करती है, वाइब्रेट करती है। अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करती है, मैच करती है उनकी फ्रीक्वेंसीज, तो वहाँ से साउंड निकलती है भी। इट इज़ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज भी, क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यानी एक डिवाइस की फ्रीक्वेंसी दूसरे से मैच कर जाए, यस और नो? तो किस में आ गए वो, रेजोनेंस में आ गए भी। यस और नो? कर पाओगे? तो हमको वही करना है, यहाँ पे रेजोनेंस करना है अभी। दो तरीके से रेजोनेंस करते हैं, सीरीज और पैरेलल से भी। तो पहला पॉइंट डालिएगा इसका,
एन सर्किट कुछ नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है, बिल्कुल सिंपल से टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीरीज में हम कर चुके हैं आरएलसी को, वही तो है सारा। देख लीजिए, इन सीरीज रेजोनेंट सर्किट वी कनेक्ट रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। वी कनेक्ट रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। वी कनेक्ट रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद एसी सोर्स। वी हम कर चुके हैं पहले, यस और नो? आरएलसी तो ये था, तो उसमें कुछ आंसर था जेड का भी। देख लीजिए, देन इम्पीडेंस कितना भाई? जेड इज इक्वल टू ई नोट बाई आई नोट, यही था, इज इक्वल टू अंडर द रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वेयर। कर लोगे? यस और नो? हमने एक्सएल और एक्सी को दिखाया था क्या चीज़ होती है। एक्सएल इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। एक्सी क्या था? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। भी यही था। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सएल? भी कुछ याद है? ये ओमेगा एल था, भी चेक करो, इट इज ओमेगा एल को मैंने एक्सएल माना था भी। यस और नो? और ओमेगा की वैल्यू कितनी थी? 2πμL भी, 2πμL। यस और नो? उसी तरीके से मैंने एक्ससी माना था भी, 1πωc को भी, 1πωc। चेक कर लो, इंडिविजुअल इंडक्टर कैपेसिटर मैंने किए थे तो वहां पे ये चीज यूज की गई थी भी। कर लोगे? तो उसका वैल्यू कितना है भाई? 1πμc। 1πμc। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? वही टॉपिक चल रहे हैं पहले वाले। इमेजिन करो भाई, किसी फ्रीक्वेंसीज के लिए, मान लेते मेरे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी है भी, डीसी की बात कर रहे हैं, या वी हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसीज डिवाइसेस भी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सएल मिनिमम है कि मैक्सिमम है भी? फॉर मिनिमम फ्रीक्वेंसी एक्सएल इज मिनिमम भी, एंड फॉर मिनिमम फ्रीक्वेंसी एक्सी इज मैक्सिमम भी। यस सर नो? यही बात है। yes, यानी ये मेरा हाथ एक्सएल को दिखा रहा है अभी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए मिनिमम है मेरा हाथ भी, और ये एक्सी को दिखा रहा है मैक्सिमम अभी मिनिमम फ्रीक्वेंसीज के लिए। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाना शुरू कर दिया मैंने भी, इंक्रीज करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? ये बढ़ना शुरू हो जाएगा भी। यस सर नो? और ये घटना शुरू हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? yes, ये हाथ था एक्सएल, ये था एक्सी, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये घटना शुरू हो जाएगा अभी। yes, एटम ऐसा जरूर आएगा, दोनों सेम होंगे अभी। yes, सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी के, उसके बाद नहीं होंगे अभी। यस और नो? yes, इसी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी? yes, जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो एक्सएल और एक्सी एक पॉइंट पर ऐसा आएगा कि दोनों क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज। नाम क्या है इसका? सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज। समझ में आया कि नहीं आया अभी? yes, कर पाओगे? yes, लिख लीजिए, ये लिख चुके हो? yes, लिख लीजिए, फॉर मिनिमम फ्रीक्वेंसी एक्सएल इज मिनिमम एंड एक्ससी इज मैक्सिमम भी। एक्सएल इज मिनिमम एंड एक्ससी इज मैक्सिमम, ठीक है, हो गया। आगे लिखिए, when we increase the frequency XL start to increase and XC start to decrease भी। अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्सएल बढ़ रहा होगा, एक्सी क्या होगा? घट रहा होगा। यस और नो? लिखिए, एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एक्सएल एंड एक्सी बिकेम इक्वल भी।
एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी XL एंड XC बिकेम इक्वल, यस और नो? दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. तो क्या होगा, XL बराबर है XC, यस और नो? XL बराबर है XC. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ XL? 2 पाई म्यू L इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई म्यू C, यस और नो? म्यू को यहां पे ले जाऊं, बाकी इस तरफ ले जाएं, इट इज म्यू स्क्वायर, यस और नो? 1 बाई नीचे जाएगा 4 पाई स्क्वायर LC, 4 पाई स्क्वायर LC. व्हाट इज म्यू? अंडर रूट कर दूं, 4 को अंडर बाहर निकाल लो, पाई को स्क्वायर को बाहर निकाल लो, ये पूरा कर दो एक बार, 4 पाई स्क्वायर LC, सही है? तो क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई अंडर रूट LC. अभी किया था मैंने, सिंपल है, कर पाओगे इसको? तो दिस इज द फार्मूला फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज भी, सही है? कर पाओगे? म्यू इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई अंडर रूट LC. इससे होगा क्या भाई, अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि चीज़ क्या है भी, क्योंकि हम तो निकाल रहे हैं एक डिवाइस, एक टॉपिक पूरा कर रहे हैं, ये यूज़ क्या है इस चीज़ का भी. इमेजिन करो अगर ये XL बराबर XC हो जाए भी, तो क्या होगा खास भी? अगर XL बराबर XC हो जाए, जेड कितना होगा भी? जीरो. कुछ भी बोल लो, आर स्क्वेयर XL माइनस XC जीरो हो गया भी, यस और नो? तो जेड बराबर किसके भी? आर के भी. जेड बराबर है आर, जेड बराबर है आर मतलब भाई रेजिस्टेंस बढ़ा कि घटा पहले से भी? पहले जेड था, अब जेड कुछ और है, तो पहले से रेजिस्टेंस बढ़ा कि घटा भी? तो ये आंसर तो है, एक वो आज बड़ा बोल दो, एक वो घटा बोल दो, उसमें क्या है, कोई तो ठीक पाएगा, घटा कि बटा? घट गया अभी, क्यों? एक पूरा फैक्ट्री जीरो कर दिया मैंने, यस और नो? रेजिस्टेंस घट गया मतलब करंट बढ़ा कि घटा? बढ़ गया होगा, यस और नो? तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट के ऊपर या सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर सर्किट में से मैक्सिमम करंट फ्लो कर जाता है, अभी लिख लीजिए, द मैक्सिमम करंट फ्लो इन द सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी, या एट द सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम करंट फ्लो, ये लिख दिया ना? yes, लिखने के बाद लिखना ये, तो पता चलेगा कि रेजिस्टेंस घट गया भाई, यस और नो? तो लिखिए एट सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम करंट फ्लो इन द सर्किट एट सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी, मैक्सिमम करंट फ्लो इन द सर्किट एट ए सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब क्या है, मतलब करेंगे हम तो भी डेली लाइफ से जुड़ेंगे इस पॉइंट को भी, कि यूज कहाँ पे हो रहा है, ठीक है? रब कर दें कि बीच का ग्राफ बनाया गया है, अभी यहाँ पे करंट है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज है, ये फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे करंट है अभी, ओके? सबके अकॉर्डिंग शेप क्या बनेंगे भी? यहाँ पे ये चीज़ मिली होती है मैक्सिमम थी, फिर ये बढ़ने लगी, ये जीरो फिर बढ़ने लगी, एक बढ़ गई घट गई, फिर अगेन आर की वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर किया गया है, पॉजिटिव आंसर आएगा XL और XC का, यस और नो? सिर्फ एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम है, उससे उससे पहले भी बढ़ी हुई है, उसके बाद भी बढ़ी हुई है, यस और नो? यानी एक पॉइंट पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, उसके बाद भी घटेगी, उसके बाद भी बढ़ेगी, घटेगी बढ़ेगी नहीं, कर लोगे? तो अगर आपका शेप का आइडिया मिल रहा है कुछ, एक खास फ्रीक्वेंसी पे ही क्या हुआ, करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, इट इज म्यू एस ले लेता हूँ, एस फॉर सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज, कर लोगे? और इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, इट इज आई नोट वे, ओके? अभी भी कुछ जोड़ नहीं पाया इसको डेली लाइफ से भी, है ना? तो सारे 5-20 पद पढ़ा रहे हम लोग, आप लोग को
यूज कहां पे हो रहा है? ठीक है, देखो अभी मैं बोला कि जो एलसी सर्किट है ना वो कम्युनिकेशन डिवाइस है एक्चुअल में, ठीक है। अब मेरे को अगर आपने रेडियो सुना है, मेरे को रेडियो मिर्ची सुनना है अभी, उसका फ्रीक्वेंसी है 98.3 मेगाहर्ट्ज़ भी, दिल्ली वालों ने क्या कर दिया, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक गाना भेज दिया अभी, ट्रांसमिट कर दिया अभी, आपको रेडियो पर इस गाने को सुनना है अभी, तो आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए अभी? 98.3 मेगाहर्ट्ज़ भी। आप रेडियो यूज किया है नहीं किया हुआ? 98.2 पे गाना सुनाई नहीं देगा आपको? अभी सुनाई देगा क्या? 98.4 पे गाना सुनाई नहीं देगा? बिल्कुल सुनाई देगा, लेकिन साफ सुनाई देगा भी। कर लोगे? एक ही फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी जिसमें करंट मैक्सिम फ्लो कर जाए रेडियो में से भी, और आपको गाना सुनाई देगा उस पॉइंट का। ये ही है वो सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज भी। आपने उस डिवाइस की फ्रीक्वेंसी जो आपने गाना सेंड किया है आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करवा दिया डिवाइस भी, आप क्या कर दिया, रेजोनेंस कर दिया दोनों डिवाइसेस के बीच में, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट भी क्लास। बॉयज ध्यान नहीं है अभी, सेम गर्ल्स का ध्यान नहीं है लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों पढ़ नहीं रहे। करें आगे? पैरेलल रेजोनेंट सर्किट भी, इसमें हम डिवाइसेस को कैसे में जोड़ेंगे? पैरेलल में जोड़ेंगे भी, सिंपल है। एलसी को आप सीरीज में नहीं जोड़ के पैरेलल में जोड़ा जाएगा। आर नहीं जोड़ेंगे क्योंकि आर का रोल सेम है एसी डीसी के लिए, सो कोई फायदा नहीं है जोड़ने का भी। कर लोगे? तो इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, मेरे पास एक इंडक्टर होगा भी और एक कैपेसिटर होगा भी, जो कहाँ जुड़े होंगे? पैरेलल में विद एसी सोर्स भी। यस और नो? विद एसी सोर्स। अब चीजें वही हैं भाई, आपने कॉम्बिनेशन पढ़ लिया है, कोई अलग नहीं है, बिल्कुल जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही टर्म लेके आएंगे सारी। इसमें देखो करंट जाएगा, कोई डायरेक्शन तो होगी करंट की, वो आगे बाकी बाद में क्या हो जाएगी, बदल जाएगी उसकी, लेकिन ऐसे जोड़ रखा हम लोगों ने, कुछ तो करंट जाएगा भाई, कोई तो मानना पड़ेगा डायरेक्शन आपको, तो करंट आई मान लेते हैं। आपको पता कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट वेरिएबल होता है अभी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है? सेम होती है। यस और नो? तो यहाँ पे कुछ करंट यहाँ पे बटेगा, कुछ करंट यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जो करंट जा रहा है उसको मैं आई ए ले लेता हूँ, यहाँ पे जो करंट जा रहा है उसको मैं आई सी ले लेता हूँ, ये एल है, ये क्या है? सी है। तो आपको सिंपल आई एल निकालना और आई सी निकालना, जोड़ना है दोनों को भी। कर लोगे? जो टॉपिक कॉम्बिनेशन में कर लिए हैं वही टॉपिक है अभी, एज इट इज भी डायग्राम बनाइएगा। वी हैव ए इंडक्टर एंड ए कैपेसिटर, वी हैव ए इंडक्टर एंड ए कैपेसिटर, which are connected in parallel combination with a AC source भी, which are connected in a parallel combination with a AC source, okay? तो इसमें दो करंट अभी क्लास, IC और IL, जो I से बने हैं, आई का पार्ट है दोनों। तो कम्बिनेशन का एक ही खासियत है, कम्बिनेशन में क्या करते हैं हम लोग हमेशा जो वेरिएबल उसको लेकर चलते हैं, आई वेरिएबल है तो कैसे लिखेंगे? आई एल प्लस आई सी। यस और नो? आई एल प्लस आई सी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एल भी? व्हाट इज द करंट थ्रू इंडक्टर भी? कुछ याद आ रहा है? इट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। यस और नो? तो मैं आई नोट यूज नहीं करके उसकी वैल्यू यूज कर रहा हूँ, ई नोट बाई एक्स से लिख दूँ। यस सर ना? सही है कि नहीं है? लिख दूँ ई नोट बाई एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, जो करंट इंडक्टर में यूज होता है, विच लैग बैंड टू द ईएमएफ। यस सर ना? आपको पुराने टॉपिक याद है तो या हो रहे होंगे आपके टॉपिक में, ये आई नोट था, मैंने आई नोट माना था इसको मैंने, और एक्सएल का कुछ वैल्यू भी था अभी, इट इज ओमेगा सी वी, सॉरी ओमेगा एल। यस सर नो?
क्या इसको मैं इन टर्म ऑफ कोस लिख दूं भाई? एक्चुअली कोस ही था ये, मैंने साइन में कन्वर्ट किया इसको. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई एल इज इक्वल टू माइनस ई नोट एक्स एल कोस ओमेगा टी. चेक करो क्या माइनस था वहां पे, इंडक्टर में माइनस था भाई. यस सर नो, पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी को बदल के मैंने ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू किया था भाई, माइनस अंदर डाल के. एक्चुअल में ये इक्वेशन था वहां पे भी. यस सर नो, हम वहां पे एक्चुअल इक्वेशन यूज करना चाह रहे हैं अभी, यहां पे कर लोगे? उसी तरीके से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई सी भी कुछ याद है, ई नॉट बाई एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. दो करंट कैपेसिटर में फ्लो करता है विच लीड द ई बाई पाई बाई टू. यस सर नो, इसको भी कोस में था, मैंने साइन में चेंज किया जबरदस्ती इसको. तो कितना आएगा आईसी का वैल्यू भी, ई नॉट बाई एक्ससी कोस ओमेगा टी, इसमें प्लस था भाई. आपका पुराने टॉपिक याद है तो बड़े सिंपल टॉपिक है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है करना इनको. इसको इसमें रख दें फर्स्ट इक्वेशन के अंदर भी, लेकिन ये पुटिंग इन द फर्स्ट इक्वेशन भी, क्योंकि कंबिनेशन का एक तरीका निकालने का भी, जो वेरिएबल उसको लेकर चलो बाकी पुट कर दो वैल्यू सारी उसके अंदर. सही है, आई कितना देखिएगा, आई एल कितना भाई, माइनस ई नॉट बाई एक्स एल कॉस ओमेगा टी प्लस ई नॉट बाई एक्स सी कॉस ओमेगा टी. सही है कि नहीं है? यहां से कुछ कॉमन आ रहा है अभी, आई इज इक्वल टू ई नॉट कॉमन है और कॉस ओमेगा टी कॉमन है. ई नॉट है कॉस ओमेगा टी, यही है ना? तो क्या बचा, वन बाई एक्स सी माइनस वन बाई एक्स एल भी. चेक कर लो. यस सर नो, अब देख लीजिए फिर वही है, हमको पता है कि एक्स सी कितना होता है, एक्स एल कितना होता है भाई, टू पाई म्यू एल होता है ओमेगा एल. एक्स सी कितना होता है, वन बाई टू पाई म्यू सी वन बाई ओमेगा सी. चीज तो वही है सारी. कर लोगे? फिर वही पॉइंट यूज करके लेते हैं. इमेजिन करो मेरे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, तो एक्सएल मिनिमम होगा, एक्ससी क्या होगा, मैक्सिमम होगा. फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, एक बढ़ेगा घटेगा, एक पॉइंट पे आके फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी. अगर एक्सएल बराबर एक्ससी, इट इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज भी. कौन सी, पैरेलल वाली कर रहे हैं हम तो, पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. जब एक्सएल और एक्ससी बराबर हो गई, चिट जीरो हो जाएगा. ये चीज बराबर है इसके, तो आंसर इज जीरो. जीरो तो करंट की वैल्यू कितनी, जीरो. उसमें करंट क्या था, मैक्सिमम फ्लो किया था, करंट की वैल्यू कितनी हो गई है, मिनिमम. जीरो को मतलब जीरो नहीं है, अब क्या है, मिनिमम. भी कर लोगे? यस सर. समझ में आ रहा है? तो ये डिफरेंस है सीरीज और पैरेलल में भी. तो ये लिख लीजिएगा, इतना हो गया भाई. लिखो इसमें, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम, इज मिनिमम एक्स एल इज मिनिमम एंड एक्स सी इज मैक्सिमम. एक्स एल इज मिनिमम एंड एक्स सी इज मैक्सिमम. सही है? लिखिए, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज एक्सएल स्टार्ट टू इंक्रीज, एक्सएल स्टार्ट टू इंक्रीज एंड एक्ससी स्टार्ट टू डिक्रीज. एक्सएल स्टार्ट टू इंक्रीज, एक्सएल स्टार्ट टू डिक्रीज एट, सॉरी, एक्ससी स्टार्ट टू डिक्रीज एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एक्ससी बिकेम इक्वल टू एक्सएल, एक्ससी बिकेम इक्वल टू एक्सएल. सही है? कर लोगे? दिस इज कॉल्ड पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कोई, डिफाइन सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, कैसे करोगे? ये दोनों में आ रहा है एक्सएल बराबर एक्ससी, तो
ये ऐसी फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी सर्किट में मैक्सिमम हो जाएगी भी, और ये ऐसी फ्रीक्वेंसी है करंट की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, नहीं तो दोनों में एक्सएल एक्सी बराबर ही है भाई, वो बता ना कि एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा तो सीरीज है कि पैरेलल है, यस सर नो? सीरीज में क्या होगा, ये ऐसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिसके दौरान सर्किट में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी भी, ओके? और पैरेलल में क्या होगा, ये ऐसी फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी मिनिमम हो जाएगी, एक्सएल बराबर एक्सी मत डालना है इसको भी, दोनों में ये आंसर है, यस और नो? जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा तो क्या आंसर होगा भाई, एक्सएल बराबर है एक्सी तो 2πμL इज इक्वल टू 1/2πμC, सेम आंसर नहीं लग रहा आपको? पहले वाला आंसर आ रहा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू, 1/2πLC, आप सिग्नल चाहे सीरीज से भेजो चाहे पैरेलल से भेजो फर्क नहीं पड़ता उनको भाई, चाहे रिसीव सीरीज से करो कि पैरेलल से करो फर्क नहीं पड़ता भी उनको, यस सर नो? लेकिन मोस्टली डिवाइसेस के अंदर ये कोशिश की जाता है कि सिग्नल ट्रांसमिट सीरीज से किया जाए, क्यों? करंट मैक्सिमम होता है भाई, पावर अच्छी मिलेगी सिग्नल्स को, रास्ते में लॉस होगा तो वो इतना लॉस नहीं हो पाएगा इतना होना उसका भी, अब डिवाइस आपका रेडियो है उसमें चाहिए आपको कम से कम करंट पर काम करे मेरा डिवाइस भी, तो उसमें क्या डिवाइस जोड़ लें, पैरेलल जोड़ दें, जरूरी नहीं है कोई बाउंडेशन नहीं है भाई, लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता है ट्रांसमिशन किया जाता है सीरीज में, और रिसीविंग किस में किया जाता है पैरेलल के अंदर भी, जिसमें करंट की कम से कम जरूरत पड़े कि हम रेडियो को ऑपरेट कर सकें भाई या आपके मोबाइल फ़ोन को, और सिग्नल को ट्रांसमिट कर लें हाई करंट के साथ भी, क्यों? लास्ट में लॉस ना हो जाए भाई, चलो हो गया इतना भाई। इस कंडीशन के दौरान अगर आप देखो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट भी, करंट कितना होगा भाई, करंट आ गया, आई का वैल्यू कितना भाई, ये रहा आई, एक्सएल बराबर एक्सी तो 1/XL 1/XC बराबर होंगे, तो ये दोनों जीरो हो गए भाई, ये जीरो ये भी जीरो, सारा जीरो गुना में है, ये एंगल नहीं है क्लास सी, ये गुना में है, कर लोगे ये सारा क्या हो गया जीरो, तो करंट की वैल्यू कितनी होगी जीरो, यानी मिनिमम करंट फ्लो करेगा, मिनिमम करंट भाई, ओके? अगर आप करंट का और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाओ तो कैसा ग्राफ बन सकता है आपके को, एक फ्रीक्वेंसी पे एक करंट की वैल्यू जीरो हो रही है अभी, बाकी करंट बढ़ रहा होता है, समझ में आया? यस सर नो? दिस इज द ग्राफ ऑफ पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज, ये फ्रीक्वेंसी को